यो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में बनाया था एक क्या बना था हमने बनाया था जो बाजू वाला फार्म है ना, वो फार्म बनाया था हमने। और उसके बाद से हमने वन ब्लॉक का वीडियो डाला था, उसके बाद फिर जो कि चपाती भाई का वर्ल्ड था वो एक्सप्लोर करने के लिए गए थे हम, जो कि मैंने उसमें कुछ गलत भी वर्ड बोल लिया था कि हमने किराए पर लिया है। भाई किराए पर नहीं लिया था वो, मैंने डाउनलोड किया था वो वर्ल्ड को। तो अभी हम आज जो करने वाले वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आज जो हम बनाने वाले हैं वो है आइस के गोलम्स, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जो कि देखो यहाँ पर मैंने ऐसे बना रखा है कुछ, और यहाँ पर अंदर फार्म के हमारे कुछ इस टाइप का बहुत ही बढ़िया ओपी लुक आ रहा है यार। कतई जहर जहर है भाई, जहर कतई जहर। तो अभी हम क्या करने वाले, अपने कासल में जाएंगे और कासल में सारा सामान स्टोर भी करना है हमें। और ऊपर देखो नाइट भी हो गई थी और अभी पानी भी स्टार्ट हो गया यार। देखो माइनक्राफ्ट वीडियो खेलना चालू किया तो और पानी भी स्टार्ट हो गया। पहले नहा लेते क्योंकि हमने बहुत दिनों से पानी भी नहीं आए इसमें माइनक्राफ्ट में, हाँ रियल में समझोगे वरना आप लोग। तो यहाँ पर सो जाते हैं, पहले पहले सोना ज़रूरी है भाई, क्योंकि मॉब्स वगैरह आ गए ना बाजू में, दिक्कत हो सकती है। तो मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हाँ थोड़े थोड़े से बादल भी हट रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि पेट पूजा कर लेते हैं। पहले सुबह सुबह उठते उठते ही ब्रेड खाना ज़रूरी है, और इसके साथ चाय होती तो मज़ा आ जाता है यार। चाय तो नहीं मिलती माइनक्राफ्ट में तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं जल्दी से और यहाँ पर एक पहले ग्रास ब्लॉक लगा दूँ। एंडरमैन भी कहाँ कहाँ के ग्रास उठा कर लेकर जाता है कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी चलते हैं जल्दी से अपने कासल में और वहाँ पर बनाना है हमें आइस गोलम। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले कासल में चलते फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। और ये थोड़े बहुत ट्री हटा देते क्योंकि हमारा जो अभी जो आगे फार्म्स वगैरह आएंगे ना तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, तो ट्री को भी हटाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा या नहीं कि लॉगी भाई एंड चपाती भाई का हमने वर्ल्ड एक्सप्लोर किया था, वो वाला वीडियो भी देख लो। और दूसरे भी वीडियो ना देखा हो तो वो भी देख लो यार, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं। तो सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा सा अपने भाई को। तो यहाँ पर इसको तोड़ देते जल्दी से और चलो भाई आज हम एक क्या कहते उसे, हाँ कोई नहीं, मैं शर्त लगाई, मैं मतलब एक टास्क कर ही रहा था कि पिकेक्स एक्स टूट गई। मैं बोल रहा था कि जब तक एक्स टूट नहीं जाती तब तक हम वुड कलेक्ट करते रहेंगे। और यहाँ पर एक हाँ इसको भी बुझा देते। तो अभी चलते हैं जल्दी से अपने कासल में और वहाँ से ट्रेड करते थोड़ी बहुत विलेजर से, क्योंकि मैं ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ कि हमें विदर को मारना है। और विदर को मार कर क्या मिलता है हमें कमेंट में बताओ जल्दी से, विदर को मार कर क्या मिलता है हमें कमेंट में बताओ। और हम क्या करेंगे ना उससे एमराल्ड का मतलब चारों तरफ से उसको कवर करना है हमें एमराल्ड से। और ये हमारा पांडा हाउस जो कि अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट मेरे लिए तो है। और ये देखो कुछ ये बैम्बूस का रहे, इनको बैम्बूस कहाँ से मिले मुझे समझ में नहीं आया। हाँ इसको बैम्बूस कहाँ से मिले मुझे समझ तो नहीं आया, देखते कहाँ से मिले कुछ क्या पता अपने को। तो तोड़ेंगे उन्होंने क्या, तोड़ सकते हैं वो, हाँ वो तो तोड़ेंगे ना यार क्योंकि उनको भूख लगेगी, तब तक तो तोड़ेंगे ना। तो अभी चलते अपने कासल में और क्या करेंगे, कासल में जाएंगे पहले हम इधर जाएंगे और इनसे थोड़ी बहुत ट्रेड करेंगे। और ये कहाँ चढ़ रहा भाई, ओ भाई इनको रास्ता पता चल गया शायद से। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि थोड़े थोड़े से विलेजर्स गायब कहाँ हो रहे हैं, तो इनके लिए मुझे जॉब भी लानी पड़ेगी। तो इसको पहले कवर कर लेते हैं ऊपर से क्योंकि विलेजर भाग ना जाए कहीं, तो इसको जल्दी से फटाफट से कवर कर लेते हैं। यहाँ से बंद कर दूंगा मैं, नेदर पोर्टल में ना जाए कहीं, इसको कुछ करना पड़ेगा यार मुझे जुगाड़ इसका। ऐसे ऐसे नहीं चले गए, इसको यहाँ से लगा दो, इसको ऐसे लगा दो, इसको ऊपर तक लेना पड़ेगा इधर की साइड से। हाँ इधर की साइड से जा सकते हैं विलेजर्स, तो इसको यहाँ से ले लो और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते। हाँ तो ये ठीक है, यहाँ से भाग नहीं पाएगी वो, यहाँ से जा सकते शायद से और यहाँ से कवर कर लूँगा। हाँ तो ये यहाँ से नहीं जा सकते अभी, और ऊपर ऊपर एक लगा दो। तो हमारे पास फेंस भी ख़त्म हो चुके, तो इसको तोड़ देते हैं, ये गलत लग गया।
जब भी हमें जाना होगा तो हम जा सकते हैं हम तोड़ कर, क्योंकि विलेजर्स ना जाए सिर्फ, मैं यही चाहता हूँ। तो अभी फ्लिंचर के पास चलते हैं, और वुड बहुत हो गए मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको टेम कर लेगा। तो एक मिनट रुको, यहाँ पर हमने, हाँ यहाँ पर देखने आया था मैं कि हमने पिछले टाइम में यहाँ से पोटैटोस ले लिए थे बहुत ज़्यादा, जो कि देखो हमारे पास ओक सैकली में, इसको यहाँ पर लगा देते क्योंकि हमारे विलेजर्स के हॉल में एक भी ट्री नहीं है, तो अच्छा दिखेगा, ट्री लगेगा तो हमारे लिए भी ठीक है वो। तो आप भी ट्री लगाते हो या नहीं कमेंट में बताना ज़रूर। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम स्टिक्स बना लेते हैं। स्टिक्स बनाकर हमें ट्रेडिंग भी करना है, तो यहाँ से स्टिक्स बना लेते हैं जितनी हो सकती है उतनी। हाँ तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स और 20 हो चुके, तो अभी स्किप बना लेते हैं जितनी बन सकती है उतनी। 3 स्टॉक कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास, और इससे एक क्राफ्टिंग टेबल क्यों बनाया यार मैंने, मेरे भी समझ में नहीं आया वो क्यों बनाया मैंने। तो इससे स्टिक्स इतनी हो चुकी है, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना कि इतने से ही पहले ट्रेड करता हूँ। तो हमें क्या होगा, ये यहाँ पर है क्या बंदा है, हाँ तो इससे 32 के बदले में एक एमरल्ड दे रहा है, तो जितने हो सकते उतने ले लेते हैं हम पहले। तो हमारे पास स्टिक्स ख़त्म हो गई, तो अभी हम क्या करेंगे, और स्टिक्स बनाएंगे और इससे ट्रेड करेंगे, नहीं हाँ स्टिक्स बनाएंगे और इससे ट्रेड। 16 में कुछ नहीं होगा यार, तो इससे पहले प्लैंक्स बना लेते हैं, और प्लैंक से हम बनाएंगे स्टिक्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि स्टिक्स प्लैंक से ही बनती है, तो यहाँ पर इतने बच गए हमारे पास, इसकी स्टिक्स बना लेंगे, देखते कितनी बनती है। 2 स्टॉक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं, हाँ और 3 स्टॉक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं भाई साहब। तो यहाँ से और एक स्टॉक बना लूँगा मैं, 4 स्टॉक हो गए हमारे पास, फिर भी हमारे पास जगह की कमी है। तो यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल फेंक देते, इसको ले लेते, साइन बोर्ड और क्राफ्टिंग टेबल फेंक दिया है मैंने नीचे। तो इसके साथ नहीं भाई, तो हमें स्टिक्स के बदले में एमरल्ड, हमें एमरल्ड नहीं बेचना है। तो ये फ्लेंचर लेवल 4 का हो चुका है, तो देखो इसकी लेवल भी बढ़ रही है साथ ही साथ इससे हम, हाँ तो इससे अभी ट्रेड नहीं कर सकते शायद से हम, ये रेस्टोन दे रहा है तो रेस्टोन नहीं चाहिए हमें, और अभी ये दे रहा है भाई स्टिक्स के बदले में एमरल्ड दे रहा है, तो इसके इससे होगा क्या, नहीं हमारे पास अभी 16 ही बची हुई है स्टिक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले क्राफ्टिंग टेबल, हाँ क्राफ्टिंग टेबल मिल गया ना मुझे, तो इसको क्या करता हूँ मैं कि आगे की साइड में लगाता हूँ, क्योंकि हमें ट्रेड करेंगे ना हम, तो इधर आना जाना नहीं पड़े हमें, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। और यहाँ से इसके प्लैंक्स बना लिए, और इससे स्टिक्स बना लो जितने हो सकते उतने। तो यहाँ पर 1 2 3 4 स्टॉक तो हो चुके हैं, और यहाँ से इससे ट्रेड करते हैं हम अभी। तो ये फ्लेंचर ने ट्रेड बंद कर दी अपनी, जो कि लेवल 4 का हो चुका है, तो अभी इससे ट्रेड करेंगे, देखते कितने एमरल्ड्स मिल सकते हैं हमें, क्योंकि हमें सारा बीकन जो बनाना है वो हमें एमरल्ड का ही बनाना है। तो आप लोगों ने कमेंट में बता ही दिया होगा कि हमें किसको मारना है, तो जो बताया उन्होंने सही बताया भाई, हमें मारना है विदर को, और विदर को मारने से मिलता है हमें नेदर स्टार, और विदर को मारने के लिए हमें चाहिए विदर स्केलेटन स्कल्स, जो कि हमें मिलेंगे फॉरेस्ट में। हमें फोर्ट्रेस भी ढूंढना पड़ेगा नेदर पोर्टल में जाके, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी यहाँ पर हो चुके हैं एमराल्ड्स हमारे पास सारे, तो अभी चलते हैं हम बाहर। तो यार एक बात बताना मुझे, आप लोग यहाँ तक जितने भी लोग देख रहे हो, तो कि मैं फेस कैम वीडियो करूँ या ना करूँ। तो अभी फेस कैम वीडियो करने के लिए मेरे पास कंप्यूटर तो नहीं है, देखते हैं फिर भी आप लोग चाहोगे तो मैं फेस कैम वीडियो करूँगा कैसे ना कैसे। तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले, और चलते हैं बाहर की साइड में, जो कि हमारे जोम्बी स्पॉनर के पास। कैसे लग रहे भाई हमारे डॉग्स, पूरी आर्मी यहीं पे बैठी हुई है भाई। और यहाँ पर चलते हैं पहले हमारे स्पॉनर यानी के जोम्बी एक्सपी फार्म के पास, एक्सपी फार्म के पास। और यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको, जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमने यहाँ पर एक सस्ता वाला फार्म बनाया था, जो कि वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पर, उतना ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने उसको बाहर एक कन्वर्ट कर दिया, बाहर बना दिया हमने मॉडर्न वाला। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ जाएंगे, तो इसको भी मैं बाद में थोड़े थोड़े से कर लूँगा कंप्लीट। और ये देखो ग्लास का शेटर बदल लिया है मैंने, तो
कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी चलते अंदर की साइड में। और यहाँ से स्नो रखी हुई थी पहले, मैं क्या करता हूँ सामान सारा स्टोर कर देता हूँ चेस्ट वगैरह में। सामान स्टोर करने के बाद हम जाएंगे, फालतू का सामान इसमें एक्सपोर्ट कर देता हूँ यार। लीफ, हाँ लीफ तो यहाँ पर ही होगी, यहाँ पर बहुत सारी लीव्स है हमारे पास, वाइन्स सीड्स, और इससे थोड़े बहुत ब्रेड बना लेंगे हम, और ऊपर वुड वगैरह डोर्स वगैरह रख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी क्या करते, सारा सामान स्टोर कर कर पम्पकिन भी लेना है हमें। हाँ तो यहाँ पर रख दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, और बाकी का सामान भी रख देते हैं इसमें, कैरेट वगैरह सीड्स। तो हम क्या करेंगे ना, बाद में जाएंगे वहाँ पर, हमारा जो न्यू वाला फार्म बनाया हमने जो कि वीट फार्म है, तो वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे बाद में, चेस्ट वगैरह लगा देंगे। यहाँ पर एमराल्ड रख लेते हैं पहले, और एमराल्ड के हमने ट्रेडिंग कर करके दो स्टॉक्स हो चुके हैं कंप्लीट, दो स्टॉक और दो एमराल्ड। और यहाँ से हम क्या करते हैं ना, पहले सामान रख देते हैं जो है वो यहाँ पर रख दो, और आयरन भी रख देते क्योंकि आयरन तो हमारे पास है, फिर भी रख देते। तो अभी यहाँ से स्नो ले लूँगा मैं, स्नो बॉल, और इसको स्नो ब्लॉक में कन्वर्ट भी करना है। मैं देखते हैं कितने हो सकते हैं हमारे पास, पम्पकिन तो सिर्फ चार ही है, देखते हैं हम कितने हो सकते हैं हमारे पास। तो पम्पकिन को यहाँ पर रखो क्योंकि कारपेट के ऊपर कुछ इस टाइप से लगेगा यार। तो कोई नहीं, इसको जल्दी से काफ कर लेते हैं। कैसे हो गए इसको? नहीं यार, हाँ इस तरीके से होगा, ये काफ होगा। इसको जल्दी से कट कर लेते हैं, और कट कर कर कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको तोड़ देते हैं यहाँ से, इसको भी तोड़ देते हैं, तोड़ कर कलेक्ट कर लेते हैं इसको सारा। और सारा पम्पकिन कलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं बाहर। तो यहाँ से पहले स्नो बॉल बना लेते, जैको लैंटर्न नहीं बनाने हमें, तो स्नो बॉल बना लेते पहले, इतनी इनफ हो गए ना। तो नहीं बना लेते, जितने हो सकते उतने तो बनाने ही पड़ेगा हमें। तो 23 कुछ ब्लॉक्स बन चुके हैं हमारे पास, और एक स्नो बॉल बचा हुआ है, तो उसको मैं जल्दी बाद में रख दूंगा अंदर की साइड में। तो पहले क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर स्नो गोलम एक बना कर देखते हैं जल्दी से। इसको यहाँ पर रखो, इसको यहाँ पर रखो, और पम्पकिन को जंप नीचे देख कर करना। हाँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि हमारा पहला वाला स्नो गोलम बन के तैयार हो। हमने ऊपर का कट भी कर लिया, और इसका देखो कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर और बना लेते स्नो गोलम्स, यहाँ पर और एक स्नो गोलम बना दिया है हमने, और ऊपर से इसको शेयर कर देंगे। शेयर्स कर दो, ओ भाई किधर भाग रहा है यार, देख रो शेयर्स करने। हाँ तो यहाँ पर इसका पम्पकिन हमने हटा दिया है सर पर से, और देखो कितने जॉम्बी स्पॉन हो गए भाई वहाँ पर। जल्दी से चलकर सो जाते हैं हम पहले, फिर उसके बाद में सुबह उठकर करेंगे जो काम हमारा बचा हुआ है ना, और स्नो गोलम्स बनाना है हमें। तो सुबह उठकर करते हैं हम काम हमारा जितना बचा हुआ है सारा। तो ये तो शायरी हो गई यार, शायरी हो गई ये। तो अभी चलते हैं हम बाहर, और देखो सारा स्नो फैला रखा है इन्होंने, ये देखो कुछ इनका इस टाइप से मुंह लगता है, जो कि हम पम्पकिन कट करने के बाद जो करते हैं ना। तो देखते हैं बड़ा स्नो गोलम कैसे बनेगा यार। तो नहीं यार, ये बड़ा बड़ा वाला नहीं बन सकता कि क्योंकि स्नो गोलम का साइज़ तो एक ही होता है ना, कि दो गोलम्स लगा लो। और ये देखो शेयर करने के बाद इसका मुंह कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि दिखने में बेकार लगता है। तो यहाँ पर लगा देते, और एक पम्पकिन बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ बना दे यार। हाँ बना देते इसको, तो ऊपर लगा दिया मैंने, और इसको भी ये देखो इसको शेयर कर दिया, और इसका मुंह कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो देखो ये दोनों एक साथ ही चल रहे, फैलाते फैलाते स्नो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग स्नो फैलाते चल रहे हमारे डॉगी से इधर, और यहाँ पर यहाँ तक आएंगे क्या है, यहाँ पर कहीं लावा ना हो भाई, लावा में गिर गए या फिर यहाँ पे ज़्यादा सा कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर बैठे क्या पम्पकिन सीड्स नहीं लग रहे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पम्पकिन तो वहाँ पर भी लगाए हुए, और एक पम्पकिन उग भी गया, देखो भाई क्या है भाई, एक पम्पकिन तो उग भी गया हमारा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी चलते हम बाहर, देखिए कहाँ तक इनका काम हो चुका है स्नो फैलाने का।
स्नो पहलाने का काम देखो कुछ इस टाइप से कर रहे हैं ये, जो कि पूरे धीरे धीरे सारे कासल में कर देंगे हमारे, स्नो पहला देंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा खाना खा लेते हैं क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है हमारी, और ब्रेड भी ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास। तो देखो ये कुछ इस टाइप से पहला रहे, तो ये टूटेगी क्या, मिलेगी क्या हमें, हमें तो नहीं मिल रही। सो शायद से हमारे पास नहीं है अभी, शवल से कलेक्ट करना पड़ेगा इसको। हाँ इसको शवल से ही कलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये कहाँ जा रहा है भाई, ये विलेजर्स को बाहर निकाल देगा क्या, हम इसको अंदर लेकर जा सकते? हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको अंदर ही रख दे एक विलेजर के पास, क्योंकि ये सारे विलेजर टाउन में घूम घूम कर स्नो कर देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको पहले लीड लेकर आते हैं हम, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ ये कचरा वाला सा डब्बा किधर है हमारा, कचरा वाला डब्बा किधर है, हाँ ये वाले डब बॉक्स में है ना, तो इसमें से दो लीड ले लेते, दो तीन कितनी होती है, हाँ दो ही मिली हमें, तो दो लीड ले लेते, एक को ही लेकर जाएंगे हम अंदर की साइड में जो कि विलेजर फार्म में। तो कहाँ गया वो वाला, इसको 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 लेकर चलते हैं, जाने दो, इसको लेकर चलते हैं विलेजर फार्म में। तो आ रहा है ना भाई, हाँ आ रहा है ये, तो इसको विलेजर फार्म में लेकर जाएंगे। तू अकेला, तेरी यही सजा है, तू साले बहुत आ रहा था ना इधर, यही है क्या वो, यही वाला लग रहा है मुझे, तो आ जा अंदर। तो ये फाइनली अंदर आ चुका है, और ये सारे क्या कहते हैं उसे, सारे फार्म में फैलाते रहेगा, जो कि स्नो फैलाएगा ये सारे फार्म में। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, स्नो फैलाने का काम स्टार्ट कर दिया इसने। तो अभी हम चलते बाहर, और ये क्या हो गया, डोर लग गया जल्दी से। तो अभी हम चलते बाहर और थोड़े बहुत मॉब्स को मारेंगे, जो कि मॉब स्पॉनर के पास होगा हमारे। देखते हम एक्सपी कितनी मिल पाती है, तो अभी 33 एक्सपी हमारी। और देखो इन्होंने धीरे धीरे से अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं आ गया हूँ मॉब स्पॉनर के पास, और यहाँ से देखते हैं मॉब स्पॉन होते हैं या नहीं। ओ भाई स्केलेटन आ गया है, और एक पीछे सर को, दो स्केलेटन आ गए, तो इसको मारो पहले। हाँ तो इनको मारते जल्दी से, और एक स्केलेटन आ गया, क्योंकि यहाँ से मुझे स्लैब्स लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि सारा दिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से स्लैब्स लगा लेते पहले से, और उनको उधर से ही बुलाएंगे। हाँ इधर से मारेंगे तो चलेगा, क्योंकि इधर से मारते हैं ना हम, तो वो भी मार सकता है हमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैंने सारा कंप्लीट कर दिया इसको, और यहाँ पर देखते हैं थोड़ी देर रुक कर कि कितने विलेजर्स मतलब कितने जॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं यहाँ पर। तो अभी थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ मैं, और आ रहे हैं, आवाज़ तो आ रही होगी आप लोगों को जॉम्बी वगैरह की। तो अभी क्या करते हैं, देखते हैं जॉम्बी आते हैं या नहीं, थोड़ा जंप करता हूँ मैं, आ जा भाई। तो यहाँ पर जॉम्बी विलेजर भी स्पॉन होते हैं क्या भाई इसमें? मुझे तो लग रहा है जॉम्बी विलेजर्स भी स्पॉन होते हैं शायद से, क्योंकि ये देखो जॉम्बी आ रहे हैं और जॉम्बी विलेजर्स भी आ रहे हैं, तो कुछ तो लोचा है इसमें। क्रिपर भी स्पॉन होते हैं इसमें कभी कभार, तो सारे मॉब से स्पॉन होते होंगे, क्योंकि एक्सपी फार्म है ना भाई ये, तो सारे मॉब स्पॉन होंगे, तो हमें एक्सपी मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते हैं, कोशिश करते हम और थोड़े ज़्यादा मॉब्स मारने की, जो कि हमारी एक्सपी लेवल उसको 34 कर देंगे हम। और ये भागता भागता आ रहा है, कितनी होगी अभी, हाँ तो बढ़ तो रही है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग रॉटन फ्लेश, हाँ रॉटन फ्लेश बहुत सारा है यार, तो कोई इससे ट्रेड करता है शायद से। देखते हैं हम अभी अपने विलेजर्स में फार्म में जाकर, तो इससे ट्रेड होगी क्या। और ये देखो जॉम्बी आ गया, अब इससे भी, इसका भी रॉटन फ्लेश मिल जाएगा, तो ये भी कलेक्ट कर लेते फटाफट से। एक ही मिला भाई, तो एक फुल स्टॉक और एक हाफ स्टॉक हमने ले लिया है रॉटन फ्लैश का। और अभी चलते अपने एंडरमैन है भाई पीछे, तो अभी चलते अपने विलेज फार्म में। और ये देखो इसने कितनी स्नो फैला दी है यहाँ पर, और देखते हैं रॉटन फ्लैश से ट्रेड कौन करेगा। जो भी ट्रेड करेगा वो एमराल्ड बाहर निकाल देगा, तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कौन ट्रेड कर सकता है। इससे ब्रेड बना लेते थोड़े बहुत, क्योंकि ब्रेड भी काम में आएगा ना यार, ब्रेड खाने के लिए चाहिए यार मुझे, दिन भर से सारा ब्रेड ही खाया है मैंने आज। तो जल्दी से चलते हैं, रॉटन फ्लैश यही लेगा शायद से, हाँ यही लेगा लग रहा है मुझे। हाँ देखो यही बंदा लेता है रॉटन फ्लैश, जो
क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो इसने हमें 3 एमराल्ड दे दिए है रोटन फ्लैश के बदले, और ये हमें 3 एमराल्ड के बदले में रेडस्टोन दे रहा है भाई। क्या हम उतने पागल है? तो यहाँ से देखते हैं इसके पास, नहीं तो अभी हमें इससे ट्रेड तो नहीं करनी, इससे ट्रेड नहीं करनी हमें। तो जितना भी रॉटन फ्लैश निकल सकता है हमारे पास उतना लाकर मैं इनको दूंगा और इनके पास से ट्रेड करूंगा। इसके पास से कुछ ले लेते हम जल्दी से, और ब्रेड ले लेते हैं यहाँ से, ब्रेड 1-2। तो इसके पास तो मैंने पिछले टाइम किसी से तो ट्रेड किया था यार, किसकी, हाँ पम्पकिन के बदले में, नहीं यार, हाँ तो यहाँ से ले लेते हैं जितनी हो सकती है उतने। तो 27 ब्रेड हो चुके हैं हमारे पास, और इससे, हाँ इससे 1 एमराल्ड मिल गया हमें, और इससे भी ब्रेड खरीद लेते हैं हम, जो कि इसकी लेवल बढ़ाना है हमें, फार्मर की भी लेवल बढ़ाना है। तो यहाँ पर बेकार से बहुत सारे बंदे घूम रहे हैं यार, तो मुझे इनको जॉब भी देना है यार, जॉब भी देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बेकार घूम रहे हैं साले सारे, कुछ काम के नहीं है। तो एमराल्ड ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास, और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है हमारे पास इनको बेचने के लिए, इनसे ट्रेड करने के लिए। तो अभी हम क्या करते, जाते अपने कासल में, और तो स्नो गोलम्स देखो यहाँ पर तीनों तीनों एक ही साथ हो गए भाई, बेचारे को अकेला छोड़ दिया वहाँ पर, और तीनों तीनों एक साथ हो गए। तो यहाँ पर गिरा हुआ है क्या कोई, देखते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर तो कोई गिरा हुआ करा हुआ नहीं है। तो यहाँ से स्टेयर्स बना लूँगा मैं, क्योंकि वाटर भी लगेगा हमें आए नेक्स्ट टाइम आगे की, आगे फ्यूचर में। तो फाइनली गाइस यही था हमारा आज वाला वीडियो, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कर देना, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।